गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। ओके, तो वी आर कंप्लीटेड अबाउट द थ्री डिफरेंट सिस्टम एंड नाउ हाउ इट इज अरेंज टू बी डाइकोटिलेडन रूट, मोनोकोटिलेडन रूट। इसके डिफरेंस और इसके डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंगली पूछे जाते हैं इन एग्जामिनेशंस। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो यहाँ पे लेट्स वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट नथिंग बट व्हाट द फर्स्ट डायग्राम, दैट इज डाइकोटिलेडन्स नी रूट। तो रूट में सबसे एपिब्लेमा और आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिब्लेमा और एपिडर्मिस, दैट कंसिस्टिंग द रूट हेयर्स। सो दिस रूट हेयर्स आर नथिंग बट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द कैपिलरी, कैपिलरी वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज यूनिसेल्यूलर आउटग्रोस दैट इज प्रेजेंट ऑन अ रूट, दैट इज रूट एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड द रूट हेयर्स। इसके बाद जो बड़ा एरिया होता है दैट इज ग्राउंड टिश्यू। हियर द ग्राउंड टिश्यू कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इंटू थ्री। यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू वो तीन चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। वॉट इज दैट? द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइड इंटू, देखिए, कॉटेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पीथ, ये चीज़ों में डिवाइड होते हैं। तो कॉर्टेक्स यूजुअली किसका बना होता है? तो कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ओके, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, बैरल शेप पैरेन्काइमा। यहाँ पे पेरिसाइकल, उसके जस्ट बिलो में पेरिसाइकल आएगा। यहाँ पर पेरिसाइकल की लाइन थोड़ी आगे कर दी गई है, बट पेरिसाइकल यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। और बीच में जो टिश्यू है दिस इज कॉल्ड पीथ। जो बीच वाले जो टिश्यूज है जनरली दिस इज कॉल्ड पीथ। तो दिस इज द पीथ इज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, तो ये सारे पीथ है। पीथ के बाद यहाँ के वस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो वस्कुलर टिश्यू में हियर द जाइलम यहाँ पर कैसी है? तो जाइलम में यूजुअली प्रोटोजाइलम कौन सी तरफ है? प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द, मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर है और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी है। तो दिस इज जाइलम इज कॉल्ड एग्जाक। ये जाइलम को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एग्जाक। ओके, और वस्क्यूलर बंडल कैसा है यहाँ पे? तो इट इज़ अ रेडियली अरेंज। तो रेडियल है। रेडियल क्यों है? क्योंकि आफ्टर जाइलम व्हाट विल बी कम? फ्लोएम विल कम। आफ्टर जाइलम व्हाट विल बी कम? फ्लोएम। रेडियल एंड अल्टरनेट है क्योंकि वस्क्यूलर बंडल इज मेड अप ऑफ ओनली, किसका बना होता है वस्क्यूलर बंडल? दिस वस्क्यूलर बंडल इज मेड अप ऑफ ओनली दैट इज जाइलम और फ्लोएम। और टेट्रार्क जाइलम है। कैसी है? टेट्रार्क, क्योंकि जाइलम में चार पैचेस होते हैं, वन वन टू थ्री एंड फोर पैचेस होते हैं, तो टेट्रार्क कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम साइड पे होता है, तो कैम्बियम इज ऑन अ साइड। ओके, सो दिस इज अबाउट नथिंग बट वी कैन से दिस इज अबाउट, ये किसके बारे में है? ये है अपने इसके बारे में, मतलब कि जनरली वी टॉक अबाउट दिस वन इज वी टॉक अबाउट डाइकोटिलेडन स्टेम। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द मोनोकोटिलेडन स्टेम, अरे मोनोकोटिलेडन रूट। ये अबाउट था डाइकोटिलेडन रूट, राइट नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट मोनोकोटिलेडन रूट। तो मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन रूट में भी ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर सारे सिमिलर ही होते हैं। एपिडर्मिस भी वैसा है, कॉर्टेक्स भी वैसा है, एंडोडर्मिस भी वैसा है, पेरिसाइकल भी वैसा है, बट द मेजर डिफरेंस यू फाइंड यहाँ पे भी जाइलम एग्जैक्ट है। ओके, समझ में आया आपको? यहाँ पे भी जाइलम कौन सी है? एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स है, मतलब जो वस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम के जो है नंबर वो ज़्यादा है। जनरली यहाँ पे आप देखें तो वन, वहाँ पे चार थे, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव
6 एंड 7 है. सो इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क. एंड यहाँ पे भी वस्कुलर बंडल तो कौन सा है, रेडियली है. ओके यहाँ पे कौन सा है, रेडियल है, कॉन्जॉइंट नहीं है क्योंकि जाइलम फ्लोएम अलग है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर दैट वी फाइंड इन अ प्राइमरी स्ट्रक्चर वी फाइंड इन अ मोनोकोटिलीडन रूट एंड डाइकोटिलीडन रूट. अब अगले कौन से ऑर्गन की बात करते हैं, दिस इज अबाउट स्टेम. तो स्टेम में पहले मैं ये डायग्राम को थोड़ा अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा. यू सी दैट यहाँ पे भी एपिडर्मिस है बट यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर्स रूट से अलग है इन डाइकोटिलीडन स्टेम. ओके तो यहाँ पे मेडुलरी रेज जैसा होता है क्योंकि जो पेरेन्काइमा है जनरली इफ़ यू सी, तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे. अभी थोड़े बड़े डायग्राम पर चले जाते हैं, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट वन फर्स्ट. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे भी क्या है, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा. बट यहाँ पर मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल हेयर या तो इसका नाम है ट्राइकोम. ओके इसके बाद यहाँ पे हाइपोडर्मिस होता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस एंड दिस हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू. जब तक यंग स्टेम होते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेम सारे यंग होते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है. उसके बाद जो उसका कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स इज मेड अप बाय पेरेन्काइमा. कॉर्टेक्स किसका बना होता है, यहाँ पे पेरेन्काइमा का बना होता है. इसके बाद एंडोडर्मिस, इफ यू सी द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो टू बी मेड अप ऑफ, एंडोडर्मिस भी किसका बना होता है, दिस इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटस. बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. यहाँ पर स्टार्च कंटेन होते हैं, यहाँ पे स्टार्च होते हैं, द सेल्स कंटेनिंग द स्टार्च, सो इट इज कॉल्ड स्टार्च सीथ. ओके इसके अलावा पेरिसाइकल यहाँ पर टुकड़ों में होता है, मुनर सेमी ल्यूनर शेप में होता है, आधे चंद्रमा की तरह के शेप में होता है. तो दिस पेरिसाइकल इज ऑल्सो मेड अप बॉट हियर, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. इसके बाद तुरंत ही फ्लोएम आती है, ठीक है, बीच में कैम्बियम आता है. देन इफ यू सी इसके बाद सीधा जाइलम आता है, हम मेटाजाइलम और उसकी बात बाद में कहते हैं. तो यहाँ पर वस्कुलर बंडल कैसा है, वस्कुलर बंडल यहाँ पर है कॉन्जॉइंट है एंड कोलेटरल है. कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल है क्योंकि फ्लोएम के एक साइड पे जाइलम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट कोलेटरल. और बीच में वस्कुलर कैम्बियम भी है तो इट इज ओपन टाइप कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, दिस विल कॉल द ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल. तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल है. यहाँ पे आप पोजीशन देखें जाइलम की कि भाई एंडार्के के एक्सार्के तो समझ में आ जाएगा कि छोटी वाली जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, पीथ के तरफ है. While we talk about metaxylem, that's towards the pericycle या तो periphery की तरफ है. तो ऐसी xylem को क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ grow करती है, तो this is called endarch. Root में exact xylem होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, endarch. तो vascular bundle conjoint collateral open type of होता है. Okay. टिश्यू यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट है कि भाई यहाँ पर एपिडर्मिस है, एक और स्ट्रक्चर है हाइपोडर्मिस दैट इज कोलेनकाइमेटस. उसके बाद एंडोडर्मिस है, उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं तो उसको स्टार्च सीथ कहा जाता है, वो भी पेरेन्काइमा का है. बट यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करें हम तो दैट इज पेरिसाइकल, दैट इज नॉट कंटिन्यूस बट इट इज इन अ ब्रोकन टाइप ऑफ टुकड़ों में है, तो उसको क्या स्क्लेरेन्काइमेटस है, सेमी ल्यूनर शेप में आधे चंद्रमा के जैसे. फिर आते हैं फ्लोएम. लगभग सारे डाइकोटिलीडन स्टेम में यही स्ट्रक्चर्स आपको कॉमनली मिलेगा. ओके जनरली हम सनफ्लावर लेते हैं फॉर डाइकोटिलीडन प्लांट एंड मेज लेते हैं हम मोनोकोटिलीडन टू अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज अबाउट नथिंग बट दिस स्ट्रक्चर. इफ यू केयरफुली सी दिस इज अबाउट द मोनोकोटिलीडन स्टेम. इसमें एपिडर्मिस तो होता है, हाइपोडर्मिस भी होता है, सीधे वस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू, बिकॉज हियर द ग्राउंड टिश्यू डज नॉट पजेस एनी पेरिसाइकल
यहां तो द ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू इनटू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल. सीधा यह ग्राउंड टिश्यू होता है पीथ या तो कोई भी डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल में नहीं होता है, सीधे ग्राउंड टिश्यू होते हैं. अब इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर लेट वी अंडरस्टैंड, अल्ट्रास्ट्रक्चर इसका अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर हम लोग. तो जस्ट यू सी द अल्ट्रास्ट्रक्चर वाइल यू सी देन फर्स्ट यू विल बी फाइंड एपिडर्मिस दैट इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटस. हियर ऑल्सो हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट बट हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ नॉट पेरेन्काइमा बट इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस. किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा. अब यहाँ पर वस्क्यूलर बंडल्स वो ग्राउंड टिश्यू में खुले होते हैं ओके, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू कॉर्टेक्स पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस ओके. तो जनरली आप यहाँ पे बात करें तो वस्क्यूलर जो बंडल्स हैं उसमें जस्ट यू सी जो बड़े वस्क्यूलर बंडल है टूवर्ड्स द सेंटर होते हैं. द बिगर वस्क्यूलर बंडल्स इज टूवर्ड्स सेंटर और जो छोटे वस्क्यूलर बंडल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? दैट इज टूवर्ड्स पेरीफेरी. वस्क्यूलर बंडल में यहाँ पे भी जाइलम कैसी होती है? तो जाइलम हियर ऑल्सो एंड डार्क, यहाँ पे भी एंड डार्क होती है ओके. यहाँ पर वस्क्यूलर बंडल कैसा होता है? तो यहाँ पर बीच में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट तो है यहाँ पे भी, जाइलम फ्लोएम दो एक दूसरे के साथ है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल तो है बट इट इज क्लोज टाइप क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो क्योंकि जाइलम है फ्लोएम है लेकिन बीच में कैम्बियम नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल ओके. यहाँ पे कभी कभी वाटर फिल्ड कैविटी भी देखने को मिलती है इन मोनोकॉटिलिडन स्टेम के जाइलम फ्लोएम के अलावा वाटर फिल्ड कैविटी. सपोज आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जाइलम है ओके, फिर फ्लोएम है, फिर कभी कभी वाटर फिल्ड कैविटी होती है. वाटर फिल्ड कैविटी तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड लिसेजिनियस कैविटी. कौन सी कैविटी कहा जाता है? लिसेजिनियस कैविटी. इज जनरली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट ऑल्सो, इन एक्वेटिक स्टेम ऑल्सो, इन सेवरल मोनोकॉटिलिडन स्टेम्स ऑल्सो ओके. दिस इज कॉल्ड लिसेजिनियस कैविटी. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम पार्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वी आर सीन ओवर देयर. अब जो बचा कुछ अब पार्ट है दिस इज लीफ. तो लीफ में जनरली क्या होता है? लीफ में भी ऐसा ही होता है जनरली. यहाँ पे भी दिस इज नॉट टू बी क्लासिफाइड इन सच अ वे कि वाइल वी टॉक अबाउट लीफ ओके. नाउ फर्स्ट द लीफ वी विल बी टॉक अबाउट, लीफ के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे विद अ डायग्राम. जो फर्स्ट डायग्राम है दिस इज डॉर्सो वेंट्रली लीफ. लीफ के अंदर भी ऐसा होता है कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, अबेक्सियल एपिडर्मिस, अडेक्सियल एपिडर्मिस. यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है? दिस वर्ड इज यूज्ड दैट इज, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? तो ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर है दो वर्ड यूज किए गए, अपर एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे? अपेक्सियल. ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है क्योंकि लीफ क्या होता है? फ्लैट होता है. बट इट इज कॉल्ड द डॉर्सी वेंट्रली लीफ. द डायकोटिलिडन लीफ इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रली बिकॉज एपिडर्मिस यहाँ पे भी किसका बना होता है? दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस. यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, उस पर क्यूटिकल का लेयर नहीं होता है, बाकी जो आउटर मोस्ट लेयर इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल. तो रेस्पिरेटरी लॉस को कम करता है. स्टोमेटा इज रिक्वायर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रांसपिरेशन प्लस रेस्पिरेशन का काम करते हैं. इसके अलावा पर दोनों तरफ है, जब अपर एपिडर्मी से वहाँ पर सेल इलोंगेटेड होते हैं, यहाँ पर क्लोरेन्काइमा अरेंज होती है, सेल्स आर अरेंज वेरी टाइटली फिटेड लॉन्ग इलोंगेटेड. सो दिस इज कॉल्ड पेडिसेल मेसोफिल. ये जो बीच वाला पार्ट है लीफ सेक्शन में उसको मेसोफिल कहा जाता है. बाकी नीचे की तरफ वाले में क्या अरेंज होते हैं? दिस इज स्पॉन्जी मेसोफिल क्योंकि उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस ज़्यादा है
ओके, और सेल आर लूजली अरेंज, तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल. तो दोनों तरफ अलग अरेंजमेंट देखने को मिलती है. एडेक्सियल एपिडर्मिस शोज द पेडिसेलेट मेसोफिल एंड टुवर्ड्स द अबेक्सियल एपिडर्मिस इट शोइंग द स्पॉन्जी मेसोफिल. सो दिस टूगेदर मतलब दो तरह पे है. तो यहाँ पे ये लीफ को क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रली लीफ. डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ अलग अरेंजमेंट होना. ओके, यहाँ पे जाइलम देखो टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस है एंड फ्लूइड टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस है. यहाँ पे भी वस्कुलर बंडल की जब हम बात करें, व्हाइल वी टॉक अबाउट वस्कुलर बंडल, तो यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट कोलेटरल है, बट हियर ऑल्सो कैम्बियम इज एबसेंट. यहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल होता है इन लीफ ऑफ बोथ. ओके, सनफ्लावर का ले लो, डाइकोटिलेडन लीफ ले लो, या तो मोनोकोटिलेडन लीफ. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट अनदर पॉइंट ओवर देयर, दैट इज रिगार्डिंग टू, यहाँ पे भी एडेक्सियल हाइपोडर्मिस है, यहाँ पे भी एबोक्सियल है, बट मेसोफिल इज ओनली कंसिस्ट द स्पॉन्जोसियल. यहाँ पे ना तो पेडिसिलेट फॉर्म है ना तो स्पॉन्जी फॉर्म है, सारे स्पॉन्जोसियल है. जो ये मेसोफिल है, मेसोफिल इज स्पॉन्जिफिल, इसीलिए इसको आइसो बायलेटरल मतलब के दोनों तरफ से सेम आइसो बायलेटरल लीफ कहा जाता है. मोनोकोटिलेडन समटाइम यहाँ पे भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा की बात करें तो वहाँ पे अपर एपिडर्मिस पे कम एंड लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये जो मोनोकोटिलेडन लीफ है उसमें इट्स एडवांस प्लांट्स, इसमें दोनों तरफ स्टोमेटा क्या होते हैं, इक्वल इन नंबर होते हैं. ओके, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे भी दो तरह के हैं. नया मतलब छोटा वाला जो वस्कुलर बंडल है दैट इज नथिंग बट पेरेन्काइमेटस होता है, लेकिन जो बड़ा वाला वस्कुलर बंडल होता है सेकेंडरी वस्कुलर बंडल दैट कंसिस्ट द स्क्लेरेन्काइमेटस, तो इसको बंडल शीथ कहा जाता है. क्या कहा जाता है, बंडल शीथ, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, सीधा बंडल शीथ होता है. बंडल शीथ मतलब वहाँ पे कोई एंडोडर्मिस या तो पेरिसाइकल जैसा नहीं होता है. बंडल शीथ आर नथिंग बट दैट प्रोवाइड नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो बंडल शीथ जो बड़े होते हैं दैट इज क्लेरेन्काइमेटस. छोटे होते हो पेरेन्काइमेटस होते हैं. इसके अलावा बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं. बुलीफॉर्म सेल में 5 to 7 सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं एपिडर्मिस. इसको बुलीफॉर्म या तो मेकेनिकल सेल्स कहा जाता है, कि जब वाटर कम हो, मॉइस्चर कम हो, तो दे लॉस देयर वाटर एंड दे वो क्या कर देते हैं, पानी की कमी की वजह से वो क्या कर लेते हैं, दे रोलिंग द लीव्स, जो लीव्स है वो रोल्ड हो जाते हैं ड्यू टू द बुलीफॉर्म सेल्स. ओके, तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स है 5 to 7 सेल्स होते हैं ऐसे, जिसको मेकेनिकल सेल्स भी कहा जाता है. तो लीफ का जो कॉइलिंग होता है वो उसके कारण होते हैं. रेस्पिरेटरी सरफेस कम होते हैं, जब पानी इनिशियल होता है तो ट्रांसपिरेशन सरफेस बढ़ा देते हैं. ओके, सो दिस इज वी कॉल्ड नथिंग बट लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, दिस सेल आर कॉल्ड द बुलीफॉर्म सेल्स. ओके, जो ग्रास में जनरली पाए जाते हैं, तो एब्जॉर्ब द वाटर एंड आर द बिकम टर्जिड, तो लीफ का सरफेस एक्सपोज्ड होता है. लेकिन जब पानी की कमी होती है तो लीफ को रोलिंग या तो कॉइलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस और ट्रांसपिरेशन सरफेस कम होती है, और वाटर स्ट्रेस का ये मेकेनिकल है, इसलिए इसको मेकेनिकल सेल्स भी कहा जाता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वी आर फाइंड इन अ मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन प्लांट्स. नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉक अबाउट, यहाँ पे भी वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर बंडल तो कैसा होगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल बट क्लोज्ड. ओके, जाइलम टुवर्ड्स द एडेक्सियल टाइप में होगी, फ्लोएम टुवर्ड्स द एबेक्सियल टाइप में होगी. ओके, द वस्कुलर कैम्बियम इन सेकेंडरी ग्रोथ वी विल बी अंडरस्टैंड टुमारो. दिस इज ऑल फॉर टुडे, यू गो थ्रू दैट ऑल द सेक्शंस, टुमारो विल बी कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.